नंबर एक शिशुपाल श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख पात्र है वह कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खासकर राजा युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ समारोह के दौरान यहाँ शिशुपाल के जीवन और महाभारत में उनकी भूमिका का अवलोकन दिया गया है शिशुपाल राजा दम्भोष और रानी श्रुता देवी का पुत्र था त्वर तीन आंखों और चार भुजाओं के साथ पैदा हुआ था और एक दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी इन अप्राकृतिक विशेषताओं से छुटकारा पाने के लिए उनके माता पिता ने एक ऋषि से सलाह ली जिन्होंने उन्हें बच्चे को भगवान कृष्ण की गोद में रखने की सलाह दी जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को छुआ उसकी अतिरिक्त आंखें और भुजाएं गायब हो गईं, जिससे उसका एक सिर और दो भुजाएं रह गईं। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ वह कृष्ण के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण होता गया वो कृष्ण के चचेरे भाई थे और उनके चचेरे भाई की पत्नी रुक्मिणी का विवाह मूल रूप से शिशुपाल से होना तय था हालांकि रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना जिससे शिशुपाल की दुश्मनी बढ़ गई महाभारत में शिशुपाल की सबसे उल्लेखनीय उपस्थिति राजसूय यज्ञ के दौरान होती है जो राजा युधिष्ठिर द्वारा अपनी सर्वोच्चता का दावा करने के लिए आयोजित एक भव्य यज्ञ समारोह था समारोह के दौरान युधिष्ठिर द्वारा कृष्ण का सम्मान किया गया जिससे शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ शिशुपाल कृष्ण का सम्मान सहन नहीं कर सका और उनके सम्मान पाने के अधिकार की आलोचना करते हुए कठोर शब्दों से उनका अपमान करना शुरू कर दिया कई लोगों द्वारा उसे शांत कराने की कोशिशों के बावजूद उसने अपना मौखिक हमला जारी रखा जब शिशुपाल का अपमान सीमा पार कर गया तो कृष्ण ने कार्रवाई करने का फैसला किया उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र एक दिव्य चक्र निकाला जिसने शिशुपाल का सिर तुरंत काट दिया। उनकी मृत्यु के समय शिशुपाल की आत्मा कृष्ण के दिव्य रूप में विलीन हो गई शिशुपाल की कहानी कृष्ण की दिव्य शक्तियों और धर्म की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में कार्य करती है उनका निधन इस भविष्यवाणी को भी पूरा करता है कि उनका अंत कृष्ण के हाथों होगा ये घटना महाभारत की जटिल कथा को उजागर करने में योगदान देती है जो भाग्य रिश्तों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की परस्पर क्रिया को दर्शाती है अगर आप नंबर दो एकलव्य ये भी श्री कृष्ण के भाई हैं। हम सभी ने महाभारत में एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा जो एक बहुत बड़े धनुर्धर थे नंबर चार महावली धनुर्विद्या से द्रोणाचार्य भी भयभीत हो गए थे द्रोणाचार्य को एकलव्य के धनुर् कौशल को देखकर अपना वचन जो उन्होंने अर्जुन को दिया था और हस्तिनापुर की रक्षा का भय सताने लगा था किंतु शायद हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कर्ण की ही तरह एकलव्य श्री कृष्णा के चचेरे भाई थे जी हाँ दोस्तों हमें तो ये पता ही होगा कि कर्ण की माता का नाम कुंती था जिन्होंने कर्ण को जन्म दिया था किंतु लोग लाज की निंदा से बचने के लिए कर्ण को नदी में बहा दिया था इसी तरीके से एकलव्य का जन्म हुआ था हमें श्री कृष्ण के पिता का नाम तो मालूम ही होगा जो वासुदेव थे जिनकी बहन कुंती थी लेकिन हम में से कितने लोगों को उनके भाई के बारे में पता है जी हाँ दोस्तों एकलव्य के पिता कर्ण की माता और श्री कृष्ण के पिता तीनों भाई बहन थे एकलव्य के पिता ने एक संत के कहने पर एकलव्य को त्याग दिया था और उसे वनों में छोड़ दिया था जहां एकलव्य निषाद जाति के सेनापति हिरन धेनु को मिले थे जिन्होंने उसे गोद लिया उसका पालन पोषण किया और अपने साथ रखा इसका मतलब यही है की एकलव्य भी एक क्षत्रिय ही थे इसलिए उनकी धनुर्विद्या बहुत ही अच्छी थी कर्ण और एकलव्य में केवल यही एक बात समान नहीं है की दोनों को छोटी उम्र में ही त्याग दिया गया था दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर भी थे एक तरह से एकलव्य भी अर्जुन के प्रतिद्वंदी ही थे किंतु एकलव्य ने कभी भी अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना एकलव्य बस गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे पूरे हस्तिनापुरा और समस्त भारतवर्ष में गुरु द्रोण बहुत ज्यादा विख्यात थे क्योंकि उन्होंने गुरु परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी इसलिए एकलव्य भी उनसे धनुर्वेद की विद्या प्राप्त करना चाहते थे अर्जुन और एकलव्य में यह बात समान है कि दोनों ही गुरु द्रोण को अपना सर्वप्रिय गुरु मानते थे दोनों ही धनुर्विद्या गुरु द्रोण से ही सीखना चाहते थे जैसा कि हमने पहले ही बताया कर्ण और एकलव्य दोनों ही श्रीकृष्ण के चेहरे भाई थे कर्ण बुआ कुंती के पुत्र थे और एकलव्य उनके चाचा के पुत्र थे इसके अलावा अगर कर्ण और एकलव्य में कोई बात समान है तो वह शायद ये बात है कि दोनों का ही अंत श्री कृष्ण के हाथों हुआ था वैसे तो मूल महाभारत में कहीं भी एकलव्य की मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है किंतु कई विद्वान यह मानते हैं कि जरासंध के मथुरा पर किए सत्रहवें आक्रमण में एकलव्य जरासंध की सेना के सेनापति बने थे और उसी युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी नंबर तीन मगध नरेश जरासंध ये भी श्री कृष्ण के रिश्तेदार हैं राजा बृहद्रथ का विवाह काशी के राजा की जुड़वा बेटियों से हुआ था बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करता था लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था ऋषिचंद कौशिक ने उसके राज्य का दौरा किया और राजा को वरदान के रूप में फल दिया राजा ने फल को अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दिया जल्द ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और उन्होंने मानव शरीर के दो हिस्सों को जन्म दिया ये दोनों बेजान हिस्से देखने में बहुत भयानक लग रहे थे इसलिए बृहद्रथ को जंगल में फेंकने का आदेश दिया गया जारा नाम की एक आसुरी को दो हिस्से मिले और उसने एक को अपने दाहिने हाथ से उठाया एक को अपने बाएं हाथ से प्रत्येक टुकड़े को अपनी हथेली में पकड़ लिया जब उसने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ लाई तो दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बच्चा बन गया बच्चा जोर जोर से रोने लगा जिससे जारा घबरा गई जीवित बच्चे को खाने का मन न होने पर जरा बच्चे को राजा के पास ले गई और उसे जो कुछ हुआ था सब बताया पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जारा असुरी के सम्मान में बच्चे का नाम जरासंध रखा श्रीमद भागवत के वर्णन अनुसार द्वापरयुग में भुज वंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे उनका एक आतायी पुत्र कंस था जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने की कोशिश की कंस ने अकेले ही जरासंध की सेना को परास्त कर दिया जरासंध प्रभावित हुआ और उसने कंस को अपना दामाद बना लिया ये जरासंध को कृष्ण का रिश्तेदार बनाता है दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण ने कंस का वध किया। अपनी पुत्रियों के विधवा होने पर जरासंध हो गया। इसके बाद जरासंध ने कृष्ण को मारने की कसम खाई। जरासंध ने तेईस अक्षौहिनी सेना उद्धरण वांछित के साथ मथुरा पर हमला किया लेकिन कृष्ण और बलराम ने किसी तरह जरासंध और उसके सहयोगियों की पूरी सेना को प्रबंधित किया जरासंध ने मथुरा पर सत्रह बार आक्रमण किया और कृष्ण से पराजित हुआ जरासंध से परेशान होकर कृष्णुरा दोस्तों जब जरासंध मथुरा पर हमला करता रहता है तो अंत में कृष्ण दिव्य वास्तुकार आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को समुद्र के पास एक शानदार शहर बनाने का आदेश देते हैं जो रातों रात पूरा हो जाता है तब कृष्ण मथुरा की पूरी आबादी को इस नए शहर में ले जाते हैं इस शहर का नाम द्वारका रखा गया जरासंध और कर्ण का युद्ध नारद जी कहते हैं राजन कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मध्यदेश देश के राजा जरासंध ने द्वैत युद्ध के लिए उसे ललकारा वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे दोनों के ही बाण क्षीण हो गए धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर लड़े हो भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देख कर बैरभाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न है साथ ही उसने प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को अलगदेश की मालिनी नगरी दे दी नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अलगदेश का राजा हो गया था इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य सिन्नी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगे ये सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय पांच के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है जब सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो जरासंध उनके सामने एक बड़ी बाधा था चून जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था इसलिए पांडवों के लिए उसे खत्म करना जरूरी था कृष्ण भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मगध की यात्रा की और जरासंध से मुलाकात की औपचारिक मुलाकात के बाद जरासंध ने उनके इरादों के बारे में पूछा कृष्ण भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान बताई तब कृष्ण ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे किसी एक लड़ाकू को चुनने की स्वतंत्रता दी जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना भीम और जरासंध दोनों ही कुशल पहलवान थे कई दिनों तक द्वंद्व चलता रहा और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था काफी देर तक युद्ध करने के बाद जरासंध थक गया तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि थकान होने पर बहुत जोर से दबाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है भीम ने कृष्ण का इशारा समझ लिया जरासंध को हवा में उठा लिया और अपने घुटने से जरासंध की रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाला जिससे वह तुरंत मर गया नंबर चार बलराम बलराम ने महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया कहते हैं कि बलराम ने महाभारत युद्ध में हिस्सा न लेने से पहले श्रीकृष्ण से इस बारे में बात की थी बलराम का कहना था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र हैं ऐसे में किसी एक के पक्ष में युद्ध में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा कहते हैं कि यह बलराम के लिए धर्म संकट की घड़ी थी कृष्ण ने बलराम को समझाया था कि धर्म संकट की घड़ी हर इंसान के जीवन में आती है ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बलराम पांडवों के पास भी गए थे बलराम ने पांडवों से अपने धर्म संकट के बारे में बताया था बलराम का कहना था कि उनका युद्ध में हिस्सा नहीं लेना ही उचित होगा और युद्ध के दौरान वह तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे बताते हैं कि बलराम से ही भीम और दुर्योधन दोनों ने ही गदा सीखी थी नंबर पांच रूक््मी रूक्मी ने महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया वही भूजगट के राजा रुक्मी ने भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था रुक्मी रुक्मणी के बड़े भाई थे उन्होंने भी युद्ध में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई थी त्रुक्णी विदर्भ देश के राजा भीष्म के पुत्र थे वो एक शक्तिशाली योद्धा था लेकिन पांडवों कौरवों और निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के स्तर का नहीं रुक्मि चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी राज्य के, राज्य के राजा शिशुपाल के साथ हो लेकिन रुक्मिणी की सहमति से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया शिशुपाल और रुक् ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की शिशुपाल कृष्ण से पराजित हुआ ये शिशुपाल के मन में कृष्ण के प्रति घृणा की शुरुआत थी तब रुक ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की लेकिन कृष्ण ने रुक्नी को भी हरा दिया जैसे ही भगवान कृष्ण उसे मारने वाले थे रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया अंत में हार के संकेत के रूप में कृष्ण ने रुक्नी का सिर मुंडवा दिया और रुक्मिणी के साथ द्वारका चले गए रुक्नी कुंदिनापुरी वर्तमान में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में नहीं लौटे और इसके पश्चिम में भोजकता शहर की स्थापना की और इसे विदर्भ की राजधानी बनाकर वहीं रहे रुक्णी का अगला उल्लेख कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले आता है जब यह तय हो गया कि पांडवों को कौरवों के साथ युद्ध करना होगा तो रुक्मी कुरुक्षेत्र गए पांडव शिविर में रुक्मी मूर्खतापूर्ण ढंग से शेखी बघारने लगा कि वह अपने पराक्रम से अकेले ही पांडवों को युद्ध जीत लेगा एक समय रुक्मी ने भीष्म और द्रोणाचार्य का मजाक उड़ाया तभी अर्जुन और भीम ने उसे लगभग मारने की कोशिश की लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और रुक्मी को पांडवों का शिविर छोड़ने के लिए कहा तब रुक्मी कौरवों के शिविर में चला गया लेकिन कृष्ण और पांडवों से उनके संबंधों और निकटता के कारण उन्हें वहां भी अस्वीकार कर दिया गया था अतः अंत में रुक्मी और विदर्भ की सेना कुरुक्षेत्र युद्ध में तटस्थ रही रुक्मि को उसके घमंड के कारण अर्जुन या दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में सहयोगी के रूप में स्वीकार नहीं किया था इस प्रकार रुक्मी की विदर्भ सेना कौरवों और पांडवों के बीच मुठभेड़ में एक तटस्थ सेना बनकर कुरुक्षेत्र युद्ध से दूर रही नंबर छह दुर ने महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से हस्तिनापुर शांति समझौता के लिए आए थे और उनका कौरव पक्ष से कुशल स्वागत हुआ था कर्ण ने तो अत्यधिक तीरंदाजी से श्री कृष्ण का स्वागत किया था दुर्योधन ने विदुर को निराश किया जब दुर्योधन ने उनके द्वारा व्यवस्थित घर में श्री कृष्ण को रुकने की कबूलियत देने से इनकार कर दिया और विदुर से कहा कि श्री कृष्ण पूरे दौरे के दौरान विदुर के परिवार के साथ रहेंगे विदुर को पहले से ही पता था कि दुर्योधन ने किसी को कृष्ण की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए अपने महल में ठीक से रहने के लिए व्यवस्था की होगी अगर कृष्ण ने रुकने की स्वीकृति दी होती इसलिए उन्होंने एक विकल्प के लिए जाने का निर्णय लिया यहाँ सवाल यह है कि उन्होंने क्यों विदुर के घर रुकने का चयन किया क्योंकि वह भगवान विष्णु के एक महान भक्त हैं संभव है हालांकि भीष्म और कर्ण भी अपनी भक्ति में विदुर के बराबर हैं तो कृष्ण ने भीष्म या कर्ण को क्यों नहीं चुना आगामी दिन शांति समझौता के समय दुर्योधन ने विदुर को गाली दी क्योंकि उसने उसके दुश्मनों के दोस्त कृष्ण के लिए रुकने के लिए जगह दी कठिन शब्दों में उसका आरोप लगाते हुए कि वह पांडवों की पक्षपाती कर रहा है ये भूलते हुए कि विदुर परिवार में वृद्ध थे और उनके अपने पिता ही थे उन्होंने कहा कि विदुर एक कृतज्ञ व्यक्ति था जिसमें अपराधी विचार थे धृतराष्ट्र भीष्म और सभी वयस्क व्यक्तियों ने वहां मौजूद थे उन्होंने दुर्योधन को संतुष्ट करने की कोशिश की लेकिन वह हिंसक और आक्रामक था उसने विदुर के खिलाफ निंदा की और उसकी जन्म के संदेह उठाते हुए उसके मां के चरित्र पर आलोचना की एक समय आया जब विदुर की क्रोध ने शर्य अधिक बढ़ गया जब उसने सुना कि दुर्योधन ने उसकी जन्म के आलम में उसका आक्रोश किया और उसकी मां के चरित्र पर संदेह दिया तुरंत उन्होंने गरजने की भांति बाहर निकलते हुए अपने धनुष और तीर निकाले दुर्योधन की ओर निशाना बनाते हुए लेकिन कृष्ण ने चालाकी से बदली और एक चाल चलाई दुर्योधन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा ओ कौरव राजा ऐसा न करो कि विदुर को ऐसे उकसाओ अगर तुम ऐसा करोगे तो वह अपना धनुष तोड़ देंगे और घोषणा करेंगे कि वह तुम्हारे पक्ष पर नहीं लड़ेंगे और निष्कलंक रहेंगे दुर्योधन हालांकि अभी भी आत्मविश्वास और अहंकार में था और कहा कि यह कोई बात नहीं करता अगर विदुर ने लड़ने का निर्णय लिया है उसके बिना मैं युद्ध जीत सकता हूं अगर वह ऐसा होता है आखिरकार एक क्रोधित विदुर और कोई आपत्ति स्वीकार करने की आज्ञा नहीं दे पाए उन्होंने कहा कृष्ण आपने मुझे सही मार्ग पर मार्गदर्शन किया और मुझे मेरी तीरंदाजी की शक्ति याद दिलाई मैं और नहीं लडूंगा इसी भावना के साथ उन्होंने अपने धनुष को तार दिया और उसे एक गरजते हुए आवाज के साथ तोड़ दिया। विदुर ने कृष्ण का धन्यवाद किया और दरबार से बाहर निकल गए कृष्ण की यात्रा के दौरान विदुर ने दरबार में सभी को बार बार दूध की बात मानने की सलाह दी लगातार चिंते रहने के कारण दुर्योधन विदुर की कुल में जन्मी माँ को दोषी ठहराता है कि उसने कौरवों को धोखा दिया है जो उसे खिला रहे थे मौखिक हमले के विरोध में विदुर ने मौके पर ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपना धनुष तोड़ दिया और कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग न लेने की कसम खाई अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे क्यूँकी हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे